चूंकि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जेटेट और सीटेट वालों के लिए जो बयान दिया है उसके बाद जितने भी जेटेट और सीटेट के सफल अभ्यर्थी है वो काफी निराश है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि 50,000 शिक्षकों की तो नियुक्ति होगी लेकिन झारखंड राज्य में 1,00,000 शिक्षक है, तो 1,00,000 शिक्षकों की तो नियुक्ति नहीं होगी, तो उन लोगों को कहीं और भी अप्लाई करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ सीटेट के सफल अभ्यर्थी मौजूद है जो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि झारखंड में सीटेट को मान्यता देनी चाहिए। लगातार आप आवाज बुलंद करें, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात है झारखंड के, आप लोग लगातार यही गाना गा रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, आखिर क्यों? जी मैडम, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री सर से भी हम लोग मिले थे, लेकिन चूंकि सरकार ने हमें आश्वासन देने के बावजूद जो है हम लोगों को अभी जो है धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग भी यही कह रहे हैं कि सर क्या हुआ आपका वादा जो आपने किया था हम लोगों से, उसका क्या हुआ? आप सरकार, जब आपकी सरकार चल रही थी और उस समय आपने धड़ाधड़ फैसले लिए और कहीं ना कहीं सरकार जो है मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिल रही थी कि सरकार संकट में है, और उस समय क्या सरकार ने की कि धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे थे, सरकार ने उन्हें अवश्य आरक्षण को आगे बढ़ाया, सरकार ने 1932 को आगे बढ़ाया है, तो हम लोग का मुद्दा ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, छोटा सा मुद्दा था, जेन्यून मांगे थी, तो हम लोग भी सरकार से यही पूछ रहे हैं कि सर क्या हुआ तेरा वादा? आपने वादा दिया था, आश्वासन दिया था, इनफैक्ट आपने ट्विटर के माध्यम से भी हमें ये कहा था कि आपके लिए निश्चित रूप से जो भी होगा, जो करने लायक होगा, न्याय संगत होगा, हम करेंगे, वो आपने नहीं किया, इसलिए हम सरकार से हम लोग भी यही कह रहे हैं सर क्या हुआ आपका वादा, यही है हमारा मांग। और अभी हम लोग जो है उसके बाद जो है सरकार को हम लोग देख रहे थे कि सरकार को जब मरहम की आवश्यकता थी लोगों से, तो उन्होंने खूब मरहम लगाया, और जब सरकार संकट से अब उभर चुकी है तो सारे वादे हम लोगों की भूल गई है, और जो आश्वासन सरकार ने हम लोगों को दिया था उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे। हम लोग कल भी जो है शिक्षा मंत्री सर से मिले थे और उन्होंने कहा कि 1932 लागू होगा, फिर सीटेट लगाएंगे और उसके बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया को बढ़ाई जाएगी, तो इसलिए हम लोग सर से कह रहे हैं कि सर ठीक है 1932 लगाइए, लेकिन जल्दी लगा लीजिए, और ताकि हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया से पहले हम लोग को शामिल कर लीजिए, ताकि जो परीक्षा होने वाली है अभी मुख्य परीक्षा JSSC लेगी, उसमें हम लोग भी शामिल हो पाएंगे। और बार बार यही सुनने को मिलता है अभी तक हम लोग को कि अगर सीटेट लागू कर दीजिएगा तो झारखंड से बाहर के बच्चे झारखंड में आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10th और 12th वाला नियम झारखंड में ऑलरेडी लागू है। और इसके बाद मैं और एक बात आप लोग को बोलना चाहूँगा कि झारखंड में जब जेटेट की परीक्षा हुई थी 2016 में, तो उस टाइम भी कोई ऐसा नियम नहीं था कि झारखंड के बच्चे ही जो है इसमें बैठ पाएंगे, और साफ साफ मैं आपके सामने अभी रिजल्ट भी लाया हूँ, उस रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से स्टेट परीक्षा में 30-40% बच्चे। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने आप लोगों से बात की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर आइए, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, मैं उसको जांच करूंगा, फिर आप लोगों से बात करूंगा। क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आप लोगों से मांगा था, पहले तो ये बताइए। जी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ये मांगा था, मैंने जब उनको कहा कि सर देखिए आप बार बार यही बोलते हैं कि सीटेट जो है लागू कर देंगे तो बाहरी बच्चा आ जाएगा, तो मैंने उनसे जब कहा कि आप टेट लागू करके भी उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो झारखंड के नहीं है, उसमें साफ साफ रिजल्ट में जो है आउटसाइड अदर स्टेट का लिखा हुआ, और ऐसे कुछ बच्चे नहीं है, हजारों में ऐसी संख्या है, तो उसी का जब मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने कहा ऐसा कहाँ है डॉक्यूमेंट्स, तो मैं फिर प्रिंट करवा के सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आया और उनको दिखाया सारा चीज, तो वो डॉक्यूमेंट्स में लाया हूँ अभी आपको दिखाना। हाँ। अपने कैमरा सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार आप जूम करके दिखाएं कि क्या कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे, क्या डॉक्यूमेंट्स है ये? ये डॉक्यूमेंट्स है कि जब 2016 में परीक्षा हुई थी टेट की, उस टाइम किस प्रकार से जो है झारखंड में बाहर के बच्चे पास किए हैं उसका ये रिजल्ट है। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है ना, इसमें अदर स्टेट में लिखा हुआ है आउटसाइड झारखंड, मतलब देख सकते हैं पूरा सीरियली है, कोई कोई पेज में तो एकदम भरा हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अदर स्टेट के लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। इसके अलावा आप कोई भी पन्ना आप पलट के देख लीजिएगा, वहाँ हर एक पेज में आपको आउटसाइड दिखेगा, तो ऐसे बच्चों की संख्या जो 2016 में टेट पास किए हैं ना वो हजारों में है, तो उन बच्चों को भी आप 1932 लगा के छाटिए। फिर आपका कहना है कि जेटेट जो 2016 में पास किए थे आउटसाइडर लोग भी उसमें मौजूद थे, ये आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही कहना है कि सर जब आप बोलते हैं कि सीटेट में ही आउटसाइड बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है, जेटेट जब 2016 में हुई थी उस टाइम भी जो है आउटसाइड बच्चे यहाँ पर थे,
तो उन बच्चों को कैसे ये साइड कीजिएगा, ये भी जानना आपको, ये भी चाहिए आपको जवाब लेना चाहिए इसका। तो मैं वही दिखा रहा हूँ कि झारखंड में टेट जब 2016 में हुई थी, उन बच्चों को आप कैसे हटाइएगा, ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ सीटेट के साथ ही ये नियम लागू नहीं होता है, इसके अलावा जितने भी तमाम बच्चे हैं उनके साथ भी ये नियम लागू होगा। तो आप ये कीजिए पहले कि आप एक नियम बनाइए जिसमें बाहरी बच्चों को छांटने का एक प्रबंध हो, तभी हम लोग का जो है फिल्टर हो पाएगा। इससे पहले आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था, एक डॉक्यूमेंट आप हमें दिखा रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि बिहार में जो नियमावली है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बिहार के जो लोग हैं वो इसको भर सकते हैं। आपने कहा था कि झारखंड में जो नियमावली है उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, क्या ये सही में नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल, झारखंड का जो नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, और बिहार का नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक एवं झारखंड राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसीलिए झारखंड में भी अभी सरकार बोल रही है कि संशोधन करेंगे और इस नियम का लाएंगे और लिखेंगे कि झारखंड के ही बच्चे आवेदन कर पाएंगे। जब ये सरकार ले आएगी तो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, बाहरी बच्चे सीटेट वाले हों या फिर जेटेड में जो बाहरी बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे और झारखंड के जो निवासी हैं यहाँ का वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। और सरकार अभी 1932 आगे बढ़ा रही है, तो 1932 अगर आगे बढ़ा रही है तो 1932 के माध्यम में भी आप देख सकते हैं अगर लागू हो जाएगा तो खतियानधारी बच्चे ही फिर आ पाएंगे। तो आप लागू करिए ना सर, कौन मना कर रहा, लेकिन हाँ हम लोग को मौका मिलना चाहिए क्योंकि अवसर का समानता का बात है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हम लोग को अपना जो है समानता का अधिकार के तहत हमें ये अवसर मिलना चाहिए। और हम लोग को ये मौका अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यायालय भी जाएंगे। एक बात बताइए कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड राज्य में, ये काफी अच्छी बात है। दूसरी ओर आप लोगों का कहना है 50,000 में सिर्फ हमें एक मौका दे दीजिए, हम लोग अपने मेरिट से निकालेंगे, शिक्षक बनना होगा तो हम लोग बन जाएंगे अपनी मेरिट के आधार पे। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई कि आप लोग सिर्फ अवसर चाह रहे हैं, नौकरी नहीं, मेरिट में नौकरी चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग हमेशा से यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को बस एक मौका चाहिए, क्योंकि जो टेट परीक्षा होता है ना वो एक शिक्षक पात्रता होता है, पात्र मतलब आप पात्र बनते हैं शिक्षक बनने के लिए, उसका कोई आधार या दावा नहीं कर सकते, आप शिक्षक बन ही गए हैं, ठीक है। इसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी जो JSSC कंडक्ट करवाएगा, उस परीक्षा में आप अगर मेरिट में आइएगा तभी आप शिक्षक बनिएगा, ठीक है। तो यही कहना हमारा, आप 50,000 शिक्षकों की अभी बहाली करने जा रहे हैं और उसमें से बाहरी बच्चों की टेट परीक्षा में जो उत्तीर्ण है वो भी लगभग 30-40% होंगे, तो उन बच्चों का हटा के आप सोचिएगा तो बचे कितने, 25,000 आसपास बचेंगे। और आप बोल रहे हैं कि 26,000 शिक्षकों की पहला फेज में आप करने जा रहे हैं, तो एक बच्चा एक सीट तो एग्जाम क्यों करवा रहे, फिर एग्जाम ही नहीं करवाइए, सीधा उनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, ताकि तभी तो पता चलेगा ना कि सरकार किस तरीके से एक जो है बहुत बड़ा जो है ना भ्रष्टाचार होने जा रहा है राज्य में। अगर सरकार अगर यही चाह रही है कि 2016 वालों को ही नौकरी मिलेगी, तो जिस प्रकार से बंगाल में आप देख सकते हैं एक शिक्षक नियुक्ति भर्ती घोटाला हुआ था, भर भर के झोली में पैसे निकल रहे थे, तो वही अगर झारखंड में भी चल रहा है, क्या पता अगर चल रहा है वैसा, तो फिर आप एग्जाम कराने की कोई जरूरत है नहीं आपको, आप सीधा उनको नियुक्ति पत्र दीजिए और उनको नौकरी दे दीजिए। आप दिखावा मत कीजिए कि आप नौकरी दे रहे हैं उनको, आप राज्य में मेरिट के आधार पर ले रहे हैं, मेरिट कहाँ हो रहा है, मेरिट तब होता है, अभी JPSC की बहाली निकली थी उसमें कितने बच्चे बैठे थे, 5,00,000 बच्चे बैठे थे, सीट कितना था, 252 सीट था, 5,00,000 बच्चे बैठे थे, तब ना मेरिट का पता चलता है। मैं भी मुख्य परीक्षा पास किया था, तब ना पता चलता मेरिट कहाँ है। आप एक ऐसा प्रबंध कर दे रहे हैं जहाँ बोल रहे हैं कि 26,000 शिक्षकों की बहाली निकलेगी, उसमें 25,000 बच्चे आएंगे और उनको नौकरी दे दीजिएगा, तो फिर बहाली लेने कोई मतलब बनता ही नहीं है, आप उनको नियुक्ति पत्र सीधा बांटिए। और 2016 में जो विज्ञापन निकला था ना, बहुत लोग बोलते हैं कि नैतिक आधार है, इतने साल से नहीं हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से जो आपका नियमावली निकला था। अब ये देखिए विज्ञापन आया था उस टाइम 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसके लिए नियमावली है, और ये विज्ञप्ति संख्या 47/2016 का है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए है, तो विज्ञापन ये विज्ञापन आया था। और इसी विज्ञापन में साफ साफ आप देख सकते हैं 8 नंबर में लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक या अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं होगा, अधिकार या दावा नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। तो आप किस आधार पर उनको वरीयता दे रहे हैं, कोई भी तो ऐसा आधार है ही नहीं, आप किस आधार पर, नैतिक आधार अगर आप बोल रहे हैं ना तो नैतिक आधार तो हमारा भी बनता है, क्योंकि 6 साल से हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आपने परीक्षा नहीं ली इसलिए तो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं ना, 16 के बाद आपने क्यों नहीं ली। NCTE जो है वो बोल रहा है कि हर साल आपको एक परीक्षा लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं ली, ये किसकी गलती है, ये तो गलती आपने की ना सर,
सीटेट परीक्षा हर साल जो है दो बार होती है, आपने जेटेट नहीं ली तभी हम लोग सीटेट में बैठे और सीटेट उत्तीर्ण है। दूसरे बार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आप लोगों को कब बुलाया है, क्योंकि कैबिनेट आई और चली गई लेकिन आप लोगों को सौगात नहीं मिल पाई, तो अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आप लोगों को क्या कुछ बोला और कब आने को कहा है? शिक्षा मंत्री सर को मैंने सारा जो है डॉक्यूमेंट्स दे दिया है अभी, और उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ, स्टडी करूंगा, हर बार ऐसे ही बोलते हैं देखेंगे, लेकिन हमें ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि सर ये कोई आधार ही नहीं बनता है आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बाकी राज्यों से कंपेरिजन होता है, छत्तीसगढ़ मॉडल, दिल्ली मॉडल बोलते हैं कि एजुकेशन के मामले में दिल्ली मॉडल को लाएंगे। भाई कैसे लाइएगा दिल्ली मॉडल को? आप बोलते हैं बाकी राज्यों का प्रगति अगर देखिएगा, 22 साल हो चुके हैं राजगठन के बाद, 22 सालों में गुजरात एक अलग मॉडल है बन चुका है। छत्तीसगढ़ देखिए, एक ही साथ हम लोग का राज्य जब विभाजन हुआ था तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य अलग अलग हुए थे, आज वो विकास के पैमाने पर कहाँ खड़े हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं? अगर आप इतना स्लो प्रोसेस डिसीजन लीजिएगा, जब सरकार उथल पुथल में थी तब इतना फास्ट ट्रैक में डिसीजन ले रहे थे और अभी आप इतना स्लो हो गए हैं, मतलब आप काम करना चाहेंगे तो काम कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, ये हमें भी समझ में आ रहा है। नीति क्या है अब सूरज आपकी? नीति यही है कि हम लोग का सर अनुरोध कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं, और याचना हम लोग हर एक जो जनप्रतिनिधि है उनसे, हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य जो है उसके लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ पाए, हमें कैसे नियुक्ति मिले, हम लोग का भी भरण पोषण घर कैसे चलेगा, इसके लिए हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि आपकी सरकार आपके द्वार जाएगी, ये जो कार्यक्रम शुरुआत होने वाला है उसको लेकर आप लोग कितनी उम्मीद जताए हैं? आप लोग मिलेंगे क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उस वक्त? आपकी सरकार आपके द्वार जाएगी, ठीक है, आना चाहिए सरकार को, बिल्कुल अच्छा बात है, लोकतंत्र में ये चीज होना चाहिए, लेकिन जब अभ्यर्थी आपके द्वार में खुद आया हुआ है तो आपको अभ्यर्थी के द्वार में क्या जाना है? हम लोग तो आ चुके हैं आपके ना, तो उनकी सुनिए, उसके बाद आप जिसके बाद बाकी लोग तो पहुंचना है पहुंचिए, लेकिन जो आया हुआ अभ्यर्थी है उसकी तो बात आप सुन नहीं रहे हैं। तो आप जब जाइएगा तो क्या आप कर रहे हैं? बस अब दिखावा ही ना होगा, आप जा करके अभ्यर्थियों के पास पहुंचिएगा या फिर विभिन्न लोगों के पास पहुंचिएगा तो आप कैसे उसको सुलझाइएगा? आप जब अभ्यर्थी आपके पास पहुंचा हुआ है, इतना 3-4 साल से हम लोग लगे हुए हैं, हर दिन मिल रहे हैं, कल भी शिक्षा मंत्री से मिले थे, प्रोजेक्ट भवन गए थे, तो आपके द्वार तो पहले से अभ्यर्थी आया हुआ है, तो जो अभ्यर्थी आपके द्वार में आया हुआ है ना उसका पहले सुनवाई करे, उसके बाद आप जो है ना जो लोग बाकी हैं उनके पास भी जाइए। इस तरीके से कार्यशैली होगी तभी झारखंड में लोगों को न्याय मिलेगा। और जो झारखंड में अभी जो छात्र एक मुद्दा नहीं है ना, छात्र को मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपया 7,000 रुपया देने का वादा हुआ था। अभी लगभग सरकार को 3 साल होने जा रहा है, हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि सरकार हम लोग के लिए कुछ करेगी, क्योंकि यहाँ पर खर्चा हो जाता है रांची में रहने के लिए 5,000 से 7,000 रुपया, तो हम लोग कम से कम सोचे थे कि घर से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार आने के बाद क्या किया? अभी 3 साल हो गए हैं, कोई इसके बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं हो रही है, बातचीत ही नहीं हो रही है। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि सर जो वादा किए हैं, वादा जो होता है वो आप लोग का जो है ना वो शपथ पत्र जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो वादा करते हैं उससे लोग आशा लगाते हैं और उस पर आप लोग को अमल करना चाहिए, तभी भरोसा बन पाएगा और सरकार पर जो लोगों का विश्वास है वो हमेशा खड़ा रहेगा, यही हम लोगों का सरकार से मानना। जाहिर सी बात है कि को लगभग 22 साल हो गए हैं और ऐसे में कई जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर आंदोलन करते हैं कि कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांग को पूरा कर दे, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में आए दिन जेटेट और सेटेट के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते हैं और अपनी बातों को किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाए इसको लेकर भी कई प्रयास करते हैं, कभी उनके आवास जाते हैं तो कभी प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, लेकिन झारखंड के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद तमाम जो सीटेट और जेटेट के अभ्यर्थी है वो काफी निराश है। उनका कहना है कि हम लोग सिर्फ यही सोचे थे कि आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और लगभग झारखंड राज्य में 1,00,000 शिक्षक है, 1,00,000 शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलेगी और ऐसे में तमाम जो जेटेट और सीटेट के अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं काफी दुखी है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुरू कर रही है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस ओर जरूर कुछ देखना चाहिए, चूंकि तमाम जो सफल अभ्यर्थी है फिलहाल उनके द्वार में है और अपनी समस्याओं को लेकर उन तक पहुंचे हैं। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्या कुछ पहल करेंगे। साफ तौर पर जेटेट के सफल अभ्यर्थी और सीटेट के सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें काफी उम्मीद है। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची।